प्रदेश की हर न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं और हमारी खबरें आपको कैसी लगी इसका सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। झज्जर के भगत सिंह चौक पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर उनके पड़पोते यादवेंद्र ने पुष्पमाला चढ़ाकर भगत सिंह को याद किया। उन्होंने कहा, झज्जर की धरती शहीदों की धरती है, उन्हें नमन करता हूं। हमारे नेताओं को शहीदों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शहीद किसी भी पार्टी, धर्म और जाति का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। जो भी नेता इस तरह की राजनीति करते हैं वो बड़ी ही छोटी मानसिकता के हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जब जब युवा जागा है देश में बदलाव आया है। उन्होंने कहा, भगत सिंह हमारे बीच ही है, वो कहीं नहीं गए, बस हमें उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। मैं उसे यही कहना चाहूंगा कि ये आयोजन शहीदों को याद करने का ये जवाब है उन अंग्रेजों को जिन्होंने सोचा था हमने भगत सिंह को फांसी दे दी, सब समाप्त कर दिया, पर आज झज्जर की तरफ से ये जवाब है कि हमारा भगत सिंह आज भी जिंदा है, हमारे दिलों में बसता है। 1947 से पहले भी युवा जागा था और आज भी युवा जाग रहा है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, जब जब युवा जागा है देश का संकट भागा है। उस समय युवा जागे थे, हमें आज़ाद करा दिया, इतनी कीमती चीज़ हमारे पास है आज़ादी। क्योंकि एक टाइम ऐसा था, आप अपने हक की बात करोगे आपको गोली मिलेगी, फांसी या काला पानी की सज़ा। उन युवाओं ने हमें आज़ादी जैसी कीमती चीज़ दे दी है, तो आज के युवाओं का फर्ज बनता है उसकी जिम्मेवारी को समझे। इस आज़ादी को दिलाने वाले जो हमारे असली नायक हैं, हमारे शहीद, उनका सम्मान करें, उनकी जीवनियाँ पढ़ें। और अगर हम 1% भी भगत सिंह जी के रास्ते में चलने लग गए, हमारे नौजवान, मैं मानता हूँ भारत फिर से दोबारा विश्वगुरु बन सकता है, ये मैं कहना चाहूँगा। सर, झज्जर जिला ऐसा जिला है जो अनेक शहीद दिए हैं, शहीद विक्रांत के परिवार परिजन भी आए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए, जिन शहीदों की वजह से हमें आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी को कायम रखने में जो बलिदान झज्जर जिले के महान हमारे सपूतों ने दिया है, उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, तो मैं शत शत नमन करता हूँ झज्जर की भूमि को और शहीद विक्रांत के परिवार को भी नमन करता हूँ और उनका भी धन्यवाद करूँगा कि आज वो हमारे बीच में आए इस यात्रा में, ताकि और आने वाली पीढ़ियों को हिम्मत हौसला दे सके कि भाई कैसे शहीद का परिवार अपने आप में हिम्मत रखता है। आज शहीदों के नाम पर राजनीति हो रही है, तो उन राजनेताओं को क्या कहना चाहिए? देखिए, जब ये शहीदों की बात होती है ना, ये किसी ना धर्म की होती है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती है, सारे हिंदुस्तान की होते हैं। और उनके नाम पर राजनीति करने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा, मैं तो कहूँगा, कुछ कोटि का है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा बलिदान हमारे लिए दे दिया होता है, तो इसमें राजनीति को बहुत दूर रखना चाहिए। उल्टा हमारे देश की जो स्वाभिमान की बातें हैं, यानी इन शहीदों का सम्मान होगा तभी स्वाभिमान कायम रहेगा, क्योंकि देखिए आने वाली पीढ़ी इन शहीदों को भूल ना जाए, ये प्रयास हमें हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है, ना उसका आज रहता है, ना आने वाला कल रहता है। देश के युवाओं को क्या कहना चाहिए? मैं देश के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि 1% भी, जैसे मैंने पहले कहा, अगर हम इन शहीदों के, देखिए भगत सिंह जी कहीं गए नहीं, वो यहीं पे ही है, क्योंकि लोग कहते हैं भगत सिंह फिर से याद आए, वो कहीं नहीं गए, उनके विचार आज भी हमारे बीच में है। हम भगत सिंह को तो मानते हैं, भगत सिंह की भी माने जो उन्होंने कहा था, तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा विश्वगुरु बन जाएगा और नशों से बहुत दूर रहे, क्योंकि एक नशे में कोई एक परिवार का एक सज्जन जाता है तो उसमें सिर्फ वो बच्चा ही नहीं, उसकी माँ भी जाती है जो उसको बचपन से पालती है, उसका पिता जो उसमें उम्मीद देखता है आने वाले सहारे की, उसकी भैरी भैरी से गलती रहा। वहीं जेजेपी नेता संजय कबलाना भी इस मौके पर पहुंचे और शहीद भगत सिंह को पुष्पमाला चढ़ाकर नमन किया, उनकी शहादत को सर झुकाकर इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा, देश को भगत सिंह के मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। चौटाला जी ने चुनाव आयोग में अपनी किस्म लगा के ये कहा था कि
करके सरकार देश में वोट मांगने का काम करते हैं, इन पर तो रोकने का काम करे और विकास करें। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ इस मौके पर पहुंचे और शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माला चढ़ाई और शहीदी दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा हर एक दिल में भगत सिंह है और क्या कहा कृषि मंत्री ने सुनिए। देश को जीवन देश तुम्हें क्या देगा अपनी आँच तेज करने का नाम तुम्हारा देगा, नाम तुम्हारा देगा। इनके नाम से आज देश भर की चलती है, इनको याद करने से देश का शौर्य तेज होता है। ये सदा युद्ध की प्रेरणा रहेंगे, जितने समय तक भारत रहेगा तब तक भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हमेशा युद्ध को प्रतिबिंबित करते रहेंगे और जैसे भारत नजर आ रहा है ऐसे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी और वहीं झज्जर के वीर सपूत विक्रांत के चाचा भी इस मौके पर पहुंचे और भगत सिंह को नमन किया। उन्होंने कहा ऐसे क्रांतिकारियों की वजह से ही हमें आजादी मिली है, उन्हें याद करना चाहिए। पूरे देश को कराऊंगा और ये लगातार चलता ही रहेगा। इस प्रकार की कोई भी दुष्प्रचार कोशिश करेगा तो हमारे पास ही ऐसे दावाद लगते हैं तो कुर्बानी देने से नहीं इसके हम पहले भी नहीं इसके हैं और अब भी नहीं। पूरे परिवार को हमें ऐसे बेटे से करा होता है, दुख तो है कि हमारा बेटा था उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती, लेकिन जो सम्मान देश ने दिया जो रक्षा की हमारे बेटे ने उसके लिए हमें शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी थी ये बहुत बड़ा नेतृत्व जिन्हें आज जो 23 मार्च 1931 में इन्होंने जो बलिदान दिया इसको मैं बारंबार नमन करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि सभी देशवासियों से इनको दिल से याद करें, इनका दिल से नमन करें, इनका दिल से स्वागत करें, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन पूरा भविष्य देश पर कुर्बान कर दिया था। मैं इनको बारंबार नमन करता हूँ। आज शहीदों के नाम पर राजनीति हो रही है उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार जो फैल रहा है उसको रोके, माताओं की रक्षा करें, हमारी माता भारत माता की रक्षा करें और जैसे इन्होंने बलिदान दिया है ऐसे ही बलिदान दें, क्योंकि हम आज जिस चौराहे पर आ गए हैं वो चारों तरफ से अंधकार है। इसलिए मैं इन शहीदों को नमन करते हुए यही वचन देता हूँ कि आने वाले समय में इस देश को स्वतंत्रता और उज्ज्वल बनाने के भविष्य सभी युवाओं का उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए मैं एक कदम आगे चलना चाहता हूँ तो सभी मेरा सहयोग दें कि आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इनको बारंबार नमन करूँगा और यही कहूँगा सभी देशवासियों से कि भारत माता के लिए इन्हीं जैसे सपूतों जैसा बलिदान दें और आज हमारा जो देश है बहुत तरक्की कर रहा है और आगे भी तरक्की करेगा। सभी नेताओं को मैं यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है आतंक फैल रहा है इसको रोके और अमन शांति का संदेश दें। भारत माता की जय। शहीदों के बलिदान के कारण आज पूरी हवा में सांस रहे हैं और ये जो आज़ादी मिली है शहीदों के बलिदान के कारण मिली है और शहीदों की शहादत के वर्षों बीत जाने के बाद भी आज युवाओं के और इस देश के प्रत्येक नागरिक के दिल में शहीद बसते हैं। शहीद आजम भगत सिंह को आज भी इस देश का एक एक व्यक्ति बड़ा आदर्श मानता है, उनकी शहादत को और शहीदों को नमन करते हैं और हम ये कहना चाहेंगे पूरे देश में एक पर्व की तरह जो शहीदों को याद किया जा रहा है, शहीदों की जा रही है, ये हमारा सौभाग्य है और ऐसे ही शहीदों के साथ शहीदी दिवस पर और शहीदों के जन्म दिवस पर
झज्जर से विजेंद्र मलिक के साथ संजय थरान की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।